नमस्कार, माय उपचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो आपके द्वारा बहुत ज़्यादा पूछे गए हुए सवाल को लेकर के हमने बनाया है। आज मैं आपको बताऊंगी कि सी सेक्शन यानी कि ऑपरेशन से हुई डिलीवरी के बाद आपको किन चीज़ों का अपने डाइट में बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, जिससे कि आपके टांके भी अच्छी तरीके से सूख सकें, आपके बच्चे को जो दूध की ज़रूरत है वो भी पूरी हो सके और साथ ही साथ आपके शरीर में वापस से वो ऊर्जा बरकरार हो सके। पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आपको ठंडा खाना इस दौरान बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि ठंडा खाना यानी कि फ्रिज से निकला हुआ खाना या ठंडे टेम्परेचर पर रखा हुआ खाना या ठंडा जूस पीना या कोल्ड ड्रिंक पीना आपकी स्थिति को ख़राब कर सकता है, क्योंकि ये ठंडी चीज़ आपके शरीर में खांसी, जुखाम और अलग अलग तरीके के इन्फेक्शन डेवलप कर सकता है, जो इन्फेक्शन बच्चे तक भी पहुंच सकता है। साथ ही साथ ये जो इन्फेक्शन है या खांसी जुखाम जो है वो आपके टाँकों को सूखने नहीं देगा, क्योंकि आपके टाँकों में झटके लगने या फिर उनके न सूखने की समस्या इस कारण से आती है सामने। तो ठंडी चीज़ को आपको पूरी तरीके से ना कहना है, जो भी लेना है आपको रूम टेम्परेचर पे या गुनगुना करके ही खाना या पीना है। अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि स्तनपान के दौरान, क्योंकि नई नई माँ को ये बिल्कुल भी ज्ञात नहीं होता है कि बच्चे के स्तनपान के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है पानी। इस दौरान माँ के शरीर में पानी की कमी बहुत ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि दूध बनने में पानी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 3 लीटर पानी का आपको सेवन इस दौरान करना है। यदि सादा पानी नहीं पी पाते हैं तो सूप की तरह से या दाल के पानी की तरह से या जो चावल का मांड होता है उस तरीके से या गुनगुना दूध के फॉर्म में या गुनगुने पानी के फॉर्म में आप अपने पानी की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। अगली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और नई नई माँ में हमने बहुत ही कॉमन देखा है, तो उसको बताने से पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचें। अगली जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है दूध बढ़ाने वाली चीज़ें, यानी कि जो माँ के शरीर में दूध बनाने वाली जो चीज़ें हैं वो आपको खानी है, क्योंकि दूध ना बनना भी एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है नई नई माँ के लिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि उनको मेथी, गोंद और सौंठ के लड्डू दे सकते हैं, आप धनिया की पंजीरी दे सकते हैं, लौकी का हलवा खिला सकते हैं, इसके साथ ही साथ आप सौंठ की चाय और साथ ही साथ अजवाइन की चाय, और कुछ कल्चर्स में आप देखते हैं वहाँ पे ड्राई फ्रूट और मसालों का हलवा दिया जाता है, वो भी आप नई नई माँ को देके उससे उस माँ के शरीर में दूध बढ़ाने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाती है और दूध की क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। तो इन चीज़ों को देख करके इस समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि माँ को इस तरीके का खाना दीजिए जो पचाने में भी आसान हो और साथ ही साथ उसके अंदर वापस से वो सारी एनर्जी उसके शरीर में बन पाए। तो उसके लिए आप उनको मूंग की दाल और रोटी को दाल में भिगा करके आप खिला सकती हैं, गाय का जो दूध होता है वो पचाने में आसान होता है उसके साथ रोटी दे सकती हैं, आप दलिया की खिचड़ी दे सकती हैं, आप मूंग दाल चावल की खिचड़ी दे सकती हैं। तो ऐसा खाना जो पचाने में भी आसान हो साथ में ही बहुत अच्छी ऊर्जा भी रखता है, तो वो दे सकती हैं। उसके साथ ही साथ आपको और क्या देना है, आपको दिन के बीच में पके हुए फल देने हैं जो कि पेट को भी साफ रखने में मदद करे, साथ ही माँ के शरीर में विटामिन्स मिनरल्स की जो आवश्यकता है उनको भी पूरा कर सके। उसके लिए आप पपीता, सेब, केला ऐसे फल जो हैं माँ को दिन के समय में आप ज़रूर खिला सकते हैं, और जिससे उसका पेट भी हल्का होगा, उसके यूट्रस की भी क्लीनिंग होगी और साथ ही साथ नई एनर्जी भी बनाने में ये सारी चीज़ें उसको मदद करेंगी। इस दौरान जो सबसे कॉमन समस्या आती है वो कब्ज और गैस की। इस कब्ज और गैस को दूर करने के लिए आपको क्या करना है कि वो चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं खानी हैं जो आपके शरीर में इस समस्या को बनाते हैं, जैसे कि आपके साबुत फलियां जो होती है राजमा, छोले, लोबिया, मटर, इनका आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इसके साथ ही साथ जो गोभी का परिवार होता है, फूल गोभी, गांठ गोभी, पत्ता गोभी, इनके प्रयोग से आपको बचना है। और कुछ चीज़ें आपको अपने शरीर के लक्षण के हिसाब से देखनी है, कुछ लोगों को बैंगन से दिक्कत होती है, कुछ लोगों को मशरूम से दिक्कत होती है, तो आपको खुद देख के समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ आपको सूट नहीं कर रही है, उनका प्रयोग कम से कम करिए। उसके साथ ही मसालेदार खाना या पैकेट वाला खाना या फिर तली हुई चीज़ें जिसको हम गरिष्ठ खाना कहते हैं, हैवी खाना, उनको आप अवॉइड करके हल्का और सुपाच्य खाना खाने की आदत रखिए इस दौरान। और यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके टाँके भी जल्दी सूखेंगे और साथ ही साथ आपका एनर्जी लेवल भी वापस से ठीक हो पाएगा। तो
आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा नई माओं के साथ शेयर करेंगे या जो होने वाली माँ हैं उनके साथ शेयर करेंगे, जिससे कि काफ़ी लोगों के जो मिथ हैं वो क्लियर हो सकें और अपने डिलीवरी के बाद वो सही चीज़ को फॉलो करके अपने आप को भी स्वस्थ रख सकें, बच्चे को भी स्वस्थ रख सकें और परेशानियों से खुद को दूर रख सकें। यदि आपके पास कोई सुझाव है या सवाल है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।